हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी चुंगथाम जा रहे हैं एंड चुंगथाम जाते टाइम हम लोग का जो है ये एक ब्रिज मिला। ये ब्रिज का एग्जैक्टली नाम पता नहीं है बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोशूट कर रहे, वीडियो क्लिक कर रहे। तो मैं सोचा मैं भी आप लोग से बात कर लूँ। तो अभी जो है मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है एंड चुंगथाम जाते टाइम हम लोग एक और एक जगह है, नाम है राबोंग। तो राबोंग में जो है मतलब चुंगथाम का एकदम नज़दीक है, वहाँ पर एक रैबिट फार्म है। तो बोल रहा है कि वो रैबिट फार्म में रैबिट का फर का मतलब अलग अलग सामान मिलता है, जैसे कि ग्लव्स हुआ, टोपी हुआ, ये सब शायद मिलता है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वो रैबिट फार्म जाने के लिए। वो राबोंग बोल के एक जगह है वहाँ पे, तो होपफुली वहाँ पे जो है और कुछ हम लोग को नया चीज़ देखने मिलेगा। ओके सो हम लोग जो है अभी रैबिट फार्म पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है रैबिट का फार्मिंग किया जाता है वैसे तो बोला गया, और रैबिट का फर का यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी मिलता होगा। तो अभी जा रहा हूँ देखने के लिए एक्चुअली में रैबिट है कि गाय है कि क्या है। ओ रैबिट है यहाँ पे, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए रैबिट्स। ডরব লাগাইছে ঠুলো ঠুলো রয়েছে মর এই দেশ না নিকালো না এ দানা ধরে ছাড়ি না গড় না অর্কা কইছ না এর হয় না দেশ তো কা হয় না। তো ফ্রেন্ডস আবি জো হে হাম লোক এক র‍্যাবিট ফার্ম আয়ে হুয়ে হ্যায়। তো ইয়াহা কা র‍্যাবিট সব আলাগ আলাগ কালার কা হ্যায়, ব্ল্যাক মে হ্যায়, গ্রে মে হ্যায়, ফির হোয়াইট মে হ্যায়, অর ইতনা বড়া বড়া সাইজ কা হ্যায়। মুঝে তো থোড়া পাস জানে মে ডর লাগ রহা হ্যায় कि कहीं काट वाट ना ले, बट दे लुक रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे क्या है कि एक तरह का फार्मिंग हो रहा है, मतलब रैबिट का यहाँ पे क्या बोले, मतलब यहाँ पे वो लोग का ब्रीडिंग होता है, फार्म है और ब्रीडिंग भी होता है। और एकदम प्रॉपर तरीके से ये लोग का जो खाने का सिस्टम है या पानी पीने का सिस्टम और जो जो ये लोग का डाइट है तो वो सब दिया हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ पर घूम रहे हैं, रैबिट को देख रहे हैं, और यहाँ रैबिट का कुछ प्रोडक्ट भी मिलता है ऐसा बोला गया है, ऐसे ग्लव्स हैट शायद मिलेगा। तो देखते हैं अगर कुछ वैसा मिलता है तो हम लोग भी परचेस करेंगे। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सिक्किम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मतलब एनिमल हस्बेंड्री के तरफ से सिक्किम गवर्नमेंट का यहाँ पे ये मतलब फार्मिंग का सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे हम लोग तभी रैबिट देखे, तो रैबिट छोड़ के भी यहाँ मतलब आपका याक, उसके बाद आपका शीप, ये सब का भी फार्मिंग किया जाता है। तो यहाँ का जो इंचार्ज है उनसे अभी हम लोग बात किए, लेकिन मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बारिश होना शुरू हो गया। तो अभी जो है यहाँ पानी पड़ना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे मैंने अभी जो अंदर में बात हुआ है तो उसके अनुसार यहाँ पे जो अभी इंचार्ज है वो 32 ईयर से यहाँ सर्विस कर रहे हैं। एंड यहाँ मैक्सिमम जो हाईलैंड वाला एनिमल्स है जैसे कि याक, शीप, ये रैबिट हो गया, जिससे जो है वुलन या वार्म क्लोथ्स हम लोग वीविंग कर सकते हैं, वो सब का यहाँ फार्मिंग किया जाता है टू हेल्प द स्मॉल स्केल स्मॉल फार्मर्स ऑफ द लोकल एरिया। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और भी आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये जो है वर्कशॉप ऑन अंगोरा रैबिट
फाइबर प्रोडक्शन फॉर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मर्स। तो अभी जब हम लोग रैबिट देखे वहाँ बाहर लिखा हुआ था अंगोरा रैबिट, मतलब वो स्पीसी होगा स्पेशल फार्मिंग के लिए। और ये 25/3/2021 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस नॉर्थ सिक्किम। तो ये वेन्यू दिया हुआ है रामबुंग अंगोरा फार्म नॉर्थ सिक्किम। तो यहाँ पे एक मशीन है, तो यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे पूछने से पता चला है यहाँ पे जो है आपका वो फर देना पड़ता है, फिर घूमता है, घूमने से जो है यहाँ से जो है थ्रेड निकलता है और उसी थ्रेड से जो है टोपी ग्लव्स और भी अलग अलग तरीके का चीज़ बनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का विमल वर्मन भैया यहाँ पे एक केज बना रहे आपका रैबिट के लिए। और हम लोग जो है इनका खास घर जलपाईगुड़ी है, लेकिन यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं 32 ईयर से यहाँ सर्विस कर रहे हैं और अभी यहीं सेटल्ड है। और ये केज बनाया जा रहा है फ्रेश फॉर रैबिट। अभी जो है यहाँ पे तो अचानक बारिश पड़ना शुरू हो गया है, इसका अंदर ये ऑफिस है, एंट्रेंस है यहाँ पे। तो ये तो एक मशीन मिला आपका वो वीविंग के लिए थ्रेड का। वहाँ पे जो है रैबिट का फार्म है और उस पार में भी एक ऑफिस है। और उधर बोल रहा है कि शीप या कुछ एक और दूसरा एक एनिमल है जो कि लद्दाख से लाया गया है स्पेशली यहाँ के लिए। तो यहाँ पे भी एक फ्रेशली अभी एक केज बनाया गया है, फ्रेश केज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हाथ से काट काट के बनाया जा रहा है। और अचानक यहाँ पानी पड़ना शुरू हो गया तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ सर। यस बड़ा बहुत हमें चाहिए यहाँ बड़ा निष्के का क्या बनते थे रैबिट फार्मिंग 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 अंत त्या प्रोडक्ट चाहिँ पाएन प्रोडक्ट अहिले उसकोमा फिनिस प्रोडक्ट चाहिँ एउटा पनि छैन रहेछ। एज अ सैम्पल एउटा टोपी दिएको थियो र यो अङ्गोराको चाहिँ अहिले यता निकै नै डिमान्ड रहेछ, प्लस एउटा यसको कस्ट पनि हेभी रहेछ। यो चाहिँ एकदमै अहिले जो यहाँको इन्चार्ज छ उसको भनाइअनुसार चाहिँ यसले चाहिँ इन्सुलेटरको काम गर्छ अरे, मिन्स टाउकोमा लगाउँदा पनि मेनिन्जाइटिस भयो यो के केहरू भयो साइनसहरू भएको होला क्या, एकदमै यसले राम्रो गर्दो रहेछ। हजुर। अन्त यसले त्यो यताको अहिले अरूहरू जस्तो त्यो चिलाउने भयो त्यस्तोहरू हुँदैन, सफ्ट पनि रहेछ तर हिट पनि पुरा दिँदो रहेछ त्यो खालको रहेछ। त्यसले गर्दा उसको त्यो भनाइले गर्दा साह्रो मन पऱ्यो र यो खालको यो चिजहरू फार्मिङ हामीले गरेपछि एउटा लङ टर्म सस्टेनेबल इकोनोमिक आफ्नो एउटा के पनि गर्न सकिन्छ। तो वी आर बैक टू चुंगथाम, गाड़ी पार्किंग हो गया, सब लोग लौट रहे, हम लोग यहाँ रह रहे तो जा रहे। मैं तो अलग तल झरे नहीं ते मैं अलग राम्रो ही लगे। हम लोग जहाँ पे चुंगथाम में रुके हुए, सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर सोनाम ताक्ची। तो ये तीस्ता रिवर है और इसी का जो डैम है आगे में है जो कि मैं बैल्कनी से अभी शूट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे डैम है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ये स्टेज फाइव वाला डैम है। यहाँ पे पूरा पानी अभी भरा हुआ है और बारिश भी हो रहा है, शायद और बढ़ेगा, मैं और जूम करता हूँ। ये तो बैल्कनी से ये दिख रहा है, काफ़ी दूर में है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हे गाइस, सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड पीछे मेरा देख सकते हैं ये है तीस्ता रिवर। मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ये बैल्कनी है, तो बैल्कनी के पीछे ही तीस्ता रिवर है। तो हम लोग को तो जाना था गुरुदंगबर लेक, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एक्सेसिव स्नोफॉल हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बट वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ आप लोग वीडियो में देखे, एंड इट वॉज अ वेरी लाइक एडवेंचरस ट्रिप, एंड मैं तो फुल एंजॉय किया, व्यू लिया, वीडियो लिया, एंड अल्टीमेटली हम लोग सेफली पहुंच भी चुके हैं। एंड ऑन द वे बैक हम लोग का जो है रास्ते में प्लान चेंज होते रहा, हम लोग नया नया जगह विजिट किया, नया नया जगह देखे जो कि मैं वीडियो में शेयर किया। तो इसी तरीके से जो चेंजेस होता है, जो अनप्लान्ड चीज़ होता है ना, वही आप लोग का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज बन जाता है। तो वैसे ही हुआ, एंड फाइनली हम बैक टू चुंगथाम जो हम लोग का बेस है। एंड सो आज के लिए तो इतना ही है, कल मोस्ट प्रोबेबली वी विल रिटर्न बैक टू दार्जिलिंग, सो लेट्स सी। एंड इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे आए हैं नॉर्थ सिक्किम घूमने, तो नॉर्थ सिक्किम कोई भी जगह घूमने के लिए हम लोग को आर्मी से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से
परमिट निकालना पड़ता है, तो वो परमिट निकालने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और हम लोग अगर अदर स्टेट से आ रहे, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से आया, तो वो अदर स्टेट का गाड़ी यहाँ पे अलाउ करता है कि नहीं करता है, या फिर सिक्किम का गाड़ी ही लेना पड़ेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, और ये सब हम लोग के लिए, ये जो है हम लोग खुद तो नहीं किए हैं, हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं, जिनके घर पे रुके हुए हैं, वो यहाँ के लोकल है, तो वही जो है हम लोग के लिए सब परमिट कर दिए हैं। तो यहाँ का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम उनसे ही पूछ के आप लोग को जो है वीडियो में शो करने वाला है, और ये नेक्स्ट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग नॉर्थ सिक्किम घूमने वाले हैं उन लोग के लिए डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि अभी लॉकडाउन और कोविड सिचुएशन है, तो डॉक्यूमेंट बिना आएंगे तब को लौट के जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उन लोग से डायरेक्ट एक इंटरव्यू सेशन करूँगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बताऊँगा, वही लोग बताएंगे। एंड हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एंड हम लोग को कैसे हॉस्पिटैलिटी मिला नहीं मिला, वो सब भी थोड़ा बहुत उसमें मेंशन रहेगा। तो अगला वीडियो जो है देखना मत भूलिएगा, इट इज़ गोने बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज़ विलिंग और डिसाइडिंग टू कम टू नॉर्थ सिक्किम विजिट करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हर डिटेल दिया हुआ रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड होपफुली आप भी वीडियो एंजॉय किए हैं। सो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को ऑन कीजिए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, कहीं भी घूमने जाता हूँ उसका भी हर इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, सो दैट यू गाइस गेट द बेनिफिट एंड आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। So that's all for today. So until the next video, you guys take care of yourself. Jai Hind.